इसी भय से प्रधानमंत्री हराते आते हैं। लगता है पिछले एक महीने में लगभग 10 बार प्रधानमंत्री आ चुके हैं, अमित शाह लगभग 7-8 बार यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये स्पष्ट नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश की सरकार के जाने की तैयारी में है। 25 सितंबर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। वे भोपाल में आयोजित कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के विकास से लेकर कांग्रेस पर जमकर आरोप भी लगाए हैं। अब इसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल दौरे पर अरुण यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करने के दौरान कहा कि जनता के आक्रोश से भाजपा में घबराहट है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह एवं तमाम बड़े नेता हर हफ्ते मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश की जनता भाजपा सरकार के 18 वर्षों के कुशासन भय भ्रष्टाचार के शासन से ऊब चुकी है, इसलिए भाजपा की रवानगी तय है। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल दौरे को लेकर कांग्रेस नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने क्या कहा। मध्य प्रदेश की सरकार की रवानगी अब तय हो चुकी है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश का जनता का आक्रोश सड़कों पर नजर आने लगा है। इससे घबराकर देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और अन्य बड़े नेता अभिनेता भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के दौरों पर आ रहे हैं, और ये दौरे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का 18 साल का कुशासन, भय भ्रष्टाचार का शासन, 50% कमीशन खाने वाली सरकार का शासन से मध्य प्रदेश की जनता पूर्ण रूप से ऊब चुकी है, और इसलिए मध्य प्रदेश में भाजपा की रवानगी तय है। इसी भय से प्रधानमंत्री हराते आते हैं। लगता है पिछले एक महीने में लगभग 10 बार प्रधानमंत्री आ चुके हैं, अमित शाह लगभग 7-8 बार यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये स्पष्ट नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश की सरकार के जाने की तैयारी में है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, आप बात कर रहे हैं महिला आरक्षण, महिला आरक्षण बिल माननीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने UP 1 और UP 2 में जब शुरू किया था, तब आप ही के पार्टी के लोग विपक्ष में बैठकर उस हमारे बिल का विरोध करते थे। अगर आप सच्चे हितैषी हैं महिलाओं के, आप सत्ते हितैषी हैं महिला आरक्षण बिल के, तो आपको कुछ कौन रोक रहा है? आप कर दीजिए पार्लियामेंट इसको जारी। क्यों आप समय लगा रहे हैं, नए नए नियम कानून क्यों बता रहे हैं? आपके मन में पाप है, इसलिए आप महिला आरक्षण बिल को फिर से उलझाने का काम कर रहे हैं। इसकी शुरुआत ही कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में की है। मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी, आप किस बात की गारंटी ले रहे हैं? मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। मध्य प्रदेश में आपके नेता अभिनेता और कार्यकर्ता भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से लीन हैं। क्या इनको हटाने की गारंटी आप मध्य प्रदेश की जनता को देंगे?